हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखना चुना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉन्वर्जेशन विद गॉड जो बुक है उसका चैप्टर 6 को देखेंगे। इसमें जो नील राइटर है उन्होंने गॉड से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं हमारी लाइफ की सफरिंग को लेकर के, कि दुख क्यों है, हमें दुख क्यों सहन करना पड़ता है, क्या दुख को सहन करना ही ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है, और आप जो है वो दुख को पूरी तरीके से ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं, और ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ये सब होना आप रोक क्यों नहीं देते हैं। इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए। वो क्वेश्चन नील राइटर जो है वो गॉड से करते हैं। तो देखते हैं गॉड उन क्वेश्चन का किस तरह से आंसर देते हैं या उनकी कॉन्वर्जेशन क्या रहती है। नील उनको बोलते हैं कि दुख उठाना क्या ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है? तो इस क्वेश्चन पे गॉड उनको बोलते हैं कि तुम दुख उठाओ ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुख उठाना ये मानव का एक अनावश्यक अनुभव है और बहुत कष्टदायी भी है और तुम्हारी सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये सुनने के बाद जो नील राइटर है वो गॉड को बोलते हैं कि अगर दुख आपको पसंद नहीं है तो फिर आप इस दुख को ख़त्म क्यों नहीं कर देते हो? तो गॉड उनको बोलते हैं कि मैं तो ये कब का ख़त्म कर चुका हूँ, पर तुम वो जो उन साधनों को देखते ही नहीं हो जो मैंने तुम्हें दे रखे हैं। अगर तुम उनको ध्यान से देखो और उनको अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारे दुख और उनके प्रति जो तुम प्रतिक्रिया किया करते हो वो कम हो जाएंगे और बल्कि ख़त्म ही हो जाएंगे। घटनाएं तो होती ही हैं जो भी हमारे लाइफ में होती हैं, गॉड बोलते हैं कि वो तो बस होती ही हैं, मुद्दा इस बात का है कि तुम उन घटनाओं को किस तरीके से लेते हो और तुम्हारी उन घटनाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया रहती है वो मैटर करता है। तो नील उनको बोलते हैं तो फिर आप घटनाओं को बंद ही क्यों नहीं कर देते हैं? तो गॉड उनको बोलते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं किसी भी घटना का जिम्मेदार नहीं हूँ। तो नील बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और वो गॉड को बोलते हैं क्या कह रहे हैं आप ईश्वर, ये कैसे हो सकता है, आप क्या कह रहे हैं कि किसी भी घटना का आपसे कोई संबंध नहीं है? तो गॉड उनको बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस दुनिया के जो नियम हैं वो मैंने इतने स्पष्ट बनाए हैं और इतने निष्पक्ष बनाए हैं कि कोई भी इनको बहुत आसानी से समझ सकता है, और तुम्हारे यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने आज इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि सृष्टि के कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने ही चाहिए, लेकिन तुम उनको अनदेखा कर देते हो। क्योंकि घटनाएं जो होती हैं टाइम और स्पेस में होने वाले कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो कि तुम अपनी कामनाओं के, अपनी आवेश के वशीभूत होकर के किया करते हो, और मैं तुम्हारी किसी भी कामना के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम्हें रचने का जो मेरा पर्पस है और तुम्हारा पर्पस जो इस अर्थ पे आने का है वो ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ में कोई रुकावट नहीं डाल सकता, और इन सारी बातों को मैं तुम्हें पहले भी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। और गॉड उनको बोलते हैं कि कुछ घटनाओं को तो तुम खुद ही चुना करते हो और कुछ घटनाओं को तुम आ बैल मुझे मार की तरह उड़ लिया करते हो, और बाकी की जो कुछ घटनाएं रह जाती हैं जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं हो गई उनको तुम भाग्य के नाम लिख देते हो। जबकि मैं तुम्हें बता दूं कि किसी भी घटना में मेरा कोई हाथ नहीं रहता है, कोई नियंत्रण नहीं रहता है, और जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो इस पूरे ग्रह की, पूरे समूह की जो चेतना है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसकी वजह से आती है, उसका परिणाम होती है वो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम सबके लिए जानना। गॉड ने ये बहुत ही क्लियर कर दिया है कि अर्थ पे जो भी हो रहा है, इवन कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कोई नेचुरल डिजास्टर हो, कुछ भी हो, उसमें गॉड कुछ नहीं करते। हमारे थॉट से, हमारे एक्शन से, हमारी फीलिंग से हम जो भी कर्म करते हैं वो एक इंडिविजुअल कर्म होता है, और अगर सेम उसी इंटरेस्ट के लोग और एक ही बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे कुछ करते हैं तो वो ग्रुप कॉन्शियसनेस होती है, और ठीक इसी तरीके से पूरे ग्रह की जो चेतना है
वो ही इसका भाग्य है, यानी कि सामूहिक चेतना। दोस्तों, इस बात को जानने के बाद नील जो राइटर है वो गॉड को क्या कहते हैं? वो उनको कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि धरती खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, वोल्केनो इरप्शन होते हैं, जितनी ज़्यादा बाढ़ आ रही है, भूकंप है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का ही रिजल्ट है, तो क्या हम अपने ग्रह की सामूहिक चेतना में परिवर्तन करके हम पृथ्वी को बचा सकते हैं? तो गॉड उनको बोलते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि जो ग्रह का भाग्य है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का ही रिजल्ट है। अगर तुम लोग एक साथ ही दृढ़ संकल्प कर लो कि हमें पृथ्वी को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, और इस बात पर तुम लोग सभी एक साथ विचार करो और एक साथ कार्य करो, तो जो विचार है वो कर्म में परिवर्तित हो जाएगा। और जब तुम्हारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक हो जाएगी अर्थ को सेव करने के लिए, तब तुम इसको बचा सकते हो। और गॉड उनको बोलते हैं कि ये काम तुम्हें जल्दी ही स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है और अब तुम्हें और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए तुम सबको अपनी सोच में बहुत भारी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गॉड कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि हमारी सोच ही सब कुछ है। अगर हम इस तरह का मिलकर के एक साथ सोचते हैं और सोच के साथ हम एक्शन लेते हैं, तो ये कितने बड़े लेवल पे कितना कुछ कर सकता है। गॉड को नील बोलते हैं कि आपका कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी पर कुछ भी रहने लायक नहीं बचेगा। तो गॉड उनको बोलते हैं कि इस भौतिक जगत के नियम मैंने इतने क्लियर और इतने सिंपल बनाए हैं कि कोई भी इन्हें बहुत आसानी से समझ सकता है, और तुम्हारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बता भी दिया है, ये पूरा सब कुछ कॉज एंड इफ़ेक्ट है। और यहाँ इस बात को मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जानने के बाद दोस्तों, अब नील उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए अब हम फिर से दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप मुझे ये बताइए कि लोग कहते हैं कि दुख उठाना तो बहुत अच्छी बात है, ये तो संत सरीखे वाली बात है, और जो संत सरीखे लोग होते हैं वो शांत रहकर सारे दुखों को झेल लिया करते हैं। दोस्तों, गॉड उनको कितनी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि जो लोग संत हैं और जो लोग बहुत ही शांत रह करके सब कुछ सहन कर लिया करते हैं, दुख को उठा लिया करते हैं, असल में वो दुखी नहीं होते हैं उस चीज़ से, क्योंकि वो अपनी अंदर की अपने बीइंग की ऐसी स्टेट में होते हैं जहां उनको कोई भी दुख टच भी नहीं कर पाता है, और बल्कि वो बहुत ही शांत तरीके से अपने ट्रू नेचर में रहते हुए, अपने पीसफुल नेचर में रहते हुए उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया करते हैं और देख लिया करते हैं कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। जिससे तुम लोग घृणा करते हो, पसंद नहीं करते हो, उन चीज़ों को वो बस समझ लिया करते हैं। और उनको बताते हैं कि जो लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहे होते हैं, वो लोग किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी दुख को इसीलिए भी नहीं कहते हैं क्योंकि वो शब्दों की ताकत को जानते हैं। जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि जिस चीज़ का हम विरोध करते हैं उस चीज़ को हम एनर्जी दे रहे होते हैं, उसको स्थान दे रहे होते हैं, तो वो शब्दों की ताकत को बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए जो संत सरीखे लोग होते हैं, जो साधना कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उसी चीज़ को बोलते हैं और उसी चीज़ को एम्फेसिस करते हैं जिसको कि वो प्रकट करना चाहते हैं। तो इतने क्वेश्चन के आंसर देने के बाद भी नील अपने क्वेश्चन पे डटे रहते हैं, और वो बहुत ही हिम्मत के साथ और बहुत ही अपने निडरता के साथ गॉड से कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं और उनसे पूछते हैं कि फिर दुख नाम की चीज़ है ही क्यों, आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या है, कोई दुख क्यों झेले। तो इस क्वेश्चन का आंसर गॉड उनको देते हैं, मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर तुमको बताता हूँ, तुम क्या हो और तुम क्या बन सकते हो, इस बात को तुम उस चीज़ के बिना समझ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते जो कि तुम नहीं हो। तो अगर दुख गलत है, बुरा है, जब तक तुम इस चीज़ को नहीं जानोगे तो फिर तुम वो कैसे बन सकते हो जो कि तुम होना चाहते हो। दोस्तों, अब नील उनको क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कैसे पता है कि आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है, और मैं ये बात कैसे मानूं कि ये सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे ईश्वर दे रहा है या फिर मेरी इमेजिनेशन।
गॉड उनको बोलते हैं, ये प्रश्न तुम मुझे पहले भी कर चुके हो, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये मैं कह रहा हूँ या कोई या फिर तुम्हारा मन, क्योंकि अगर ये मैं कह भी रहा हूँ और अगर ये तुम्हें गलत लग भी रहा है तो भी ये गलत वो सही है जिसे कि तुम सही कहा करते हो वो गलत है। गॉड उनको बोलते हैं कि इस कन्फ्यूज़न से तुम्हें निकालने के लिए मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें मेरे शब्दों को मानने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद अनुभव करो, खुद एक्सपीरियंस लो, खुद जानो और चुनो, और जो भी तुम चुनाव करते हो उसके अनुभव से तुम जानो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ मेरे कहने से मत मानो, और जब तुम ऐसा सीख जाओगे तो एक दिन वो आएगा जब तुम एक ऐसी दुनिया में रह रहे होगे जहाँ पर लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद की जगह प्रेम ही स्थान ले लेगा, और तब तुम उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी मनाओगे। तो इस तरह से दोस्तों ये आंसर के साथ में ये चैप्टर फिनिश होता है। अब इसके बाद हम मिलते हैं 7 चैप्टर में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये बुक के क्वेश्चंस और इस बुक की कॉन्वर्जेशन आप लोगों को कैसी लग रही है। और दोस्तों मेरी एक आप लोगों से विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि ये जो गॉड की कॉन्वर्जेशन है ना, ये एक सिंपल कॉन्वर्जेशन नहीं है, ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो हर ह्यूमन माइंड में आते ही हैं। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर सही तरीके से जैसे दिए हुए हैं वो सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आप को एक मीडियम मानती हूँ कि अगर ये बुक मेरे तक आई है तो ये एक मैसेज है सबके लिए, और ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस गॉड के मैसेज को सब तक पहुंचाएं, जिससे कि जो लोग भटके हुए हैं और जिनको क्वेश्चन के सही आंसर नहीं पता है या जो गलत तरीके से समझ रहे हैं उनको इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी आए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी जो भी न्यू वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने आप से कनेक्ट रहिए और ऑडियो बुक्स वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।